खबर आपको बता रहे बुधनी से, जहां बुधनी उपचुनाव में दिग्विजय सिंह का पहला वार। आपको बता दें, परिवारवाद के मुद्दे पर बीजेपी को उछाने की कोशिश, एक्स पोस्ट के जरिए बीजेपी से किया दिग्विजय ने सवाल। बुधनी में बीजेपी का कौन होगा उम्मीदवार? बीजेपी परिवारवाद की पक्षधार है या विरोधी है? जय सियाराम। देखिए, उनका अब पोस्ट आपको पढ़ के सुनाया हमने अभी, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है, क्योंकि देखिए अभी तक उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं हुआ है और शिवराज के बेटे की के नामों की चर्चा अभी काफी ज्यादा है। तो ऐसे में दिग्विजय सिंह ने पहला वार यहां पर देखिए कर दिया है, पहला हमला बोल दिया है और उन्होंने कहा है कि अब स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी परिवारवाद का समर्थन करती है या विरोध करती है। 13 नवंबर को आपको बता दें कि यहां पर उपचुनाव होने हैं, उसके पहले दिग्विजय सिंह का पोस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो कार्तिकेय सिंह का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर आ रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है और 13 तारीख को हम कह सकते हैं कि जो उपचुनाव होगा अपने आप में काफी दिलचस्प तो होने ही वाला है। और खासकर अगर हम बुधनी की बात करें, बीजेपी का गढ़, शिवराज सिंह चौहान का गढ़, और क्योंकि अब वो सांसद बन चुके हैं, केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, तो ऐसे में ये सीट खाली हो गई है और यहां पर उपचुनाव होने हैं। 13 नवंबर को मतदान होगा, लेकिन उसके पहले सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। कांग्रेस ने अपना देखिए यहां पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। तो आखिर दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट के मायने क्या है? आखिर उन्होंने परिवारवाद का जिक्र क्यों किया, ये भी समझते हैं। परिवारवाद के मुद्दे पर बीजेपी को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं दिग्विजय। कार्तिकेय चौहान बीजेपी के सबसे मजबूत दावेदार है, शिवराज सिंह के बेटे हैं कार्तिकेय सिंह चौहान। उम्मीदवार चयन पर बीजेपी को उलझाना चाहते हैं दिग्गी। तो वहीं कार्तिकेय सिंह बुधनी में कई सालों से सक्रिय है, जिस तरह से उनके पिता यहां पर काम करते थे और जिस तरह से उनके पिता ने बुधनी को जितने अच्छे से संभाला है, कहीं ना कहीं उनकी विरासत वो यहां पर संभालते नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। मनोज जी, जिस हिसाब से लगातार कांग्रेस बीजेपी पर हमला करी, खास तौर पर बुधनी सीट को लेकर, हम ये तो कह सकते हैं कि ये उपचुनाव अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। उसी बीच दिग्विजय सिंह का पहला रिस्पॉन्स, पहला रिएक्शन सामने आ गया है, जिसमें वो परिवारवाद का जिक्र कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, दोनों लीडर बहुत बड़े लीडर हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात करें या दिग्विजय सिंह की बात करें, लेकिन दिग्विजय ये समझते हैं कि समय की नजाकत जिसे कहा जाता है वो समझ लेते हैं और उसी आधार पर अपना ट्वीट या अपना बयान देकर सियासत में एक तरह से कहा जाए तो नई बहस छेड़ देते हैं। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिवराज सिंह चौहान, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री, उनकी मुलाकात होती है अपने दोनों बेटे परिवार के साथ। कहा यह जा रहा है कि कुछ दिन बाद कार्तिकेय की शादी होना है, विवाह होना है, तो उसका आमंत्रण देने वो वहाँ गए थे। उसी दौरान ये फोटो भी सामने आए। लेकिन ये भी एक इत्तेफाक है कि हाल ही में अब यहाँ बुधनी का उपचुनाव होना है, जिसमें कैंडिडेट के रूप में कार्तिकेय चौहान का नाम है, राजन सिंह का नाम है और सबसे ऊपर कोई नाम है तो वो रमाकांत भार्गव का, पूर्व सांसद का है। कहा यह जा रहा बहुत संभावना उनके नाम की बनती दिखाई देती है। एक दिन पहले ही बीडी शर्मा जब पहुंचे इंदौर में, प्रदेश अध्यक्ष है, तो युवाओं के कार्यक्रम में उन्होंने बोला कि 1 लाख लोगों को हम जोड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों को आगे लाना चाहते हैं जो किसी परिवारवाद से नहीं आते हो। और फिर दिग्विजय सिंह ट्वीट कर देते हैं, इसलिए सियासत में बहुत जमकर ये पूरा मुद्दा गरमाया हुआ है। लेकिन ये कहना क्या परिवारवाद इससे आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि कार्तिकेय चौहान बहुत अच्छे लीडर, युवा लीडर है जो लगातार उस क्षेत्र में मेहनत करते रहे, तो मुझे लगता है कि ये तो तय भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन सियासत चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान अपने पिता के साथ रैलियों में भी हमने उन्हें कई बार देखा, कई बार प्रचार प्रसार भी किया उन्होंने। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि बुधनी का अगला दावेदार कौन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।